नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किचन स्वाद का। तो आज के किचन के स्वाद का एक नया और चटका स्वाद, बिल्कुल नई डिश। आज हम आपको सोयाबीन आलू की ऐसी रेसिपी बताएंगे कि आपने अगर इस मेथड पे बना ली तो आप नॉनवेज भूल जाएंगे, इतनी जबरदस्त। कैसे बनेगी ये हम बता रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी नॉनवेज स्टाइल सोयाबीन आलू की सब्जी। हमने करीब 100 ग्राम सोयाबीन लिया है, उसको अच्छे से गर्म पानी में डाल करके भिगो लिया था। बहुत बढ़िया सा फूल गया है, देखिए बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। एक एक सोयाबीन हमारा बिल्कुल सॉफ्ट है। 4 से 6 हमने आलू लिए थे मीडियम साइज के, जिनको की छील करके 2 टुकड़ों में काट लिया है। अब हम इन्हें छेद करेंगे ताकि अब हम इसको जब मैरिनेट करेंगे तो ये अच्छे से हमारा पूरा जो भी मैरिनेट का मसाला होगा ना वो इसमें भर जाएगा। हमने सारे आलू अच्छे से गोद लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा टुकड़ा बटर का, फिर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। हमने करीब 3 इंच का अदरक का टुकड़ा और 1 पूरी गांठ लहसुन की ली है, उसको मिलाकर के पेस्ट तैयार कर लिया है। 1 नींबू का रस, 50 ग्राम दही, या यूं कह ले कि मार्केट में जो 10 रुपए का दही का पैकेट आता है वो पूरा पैकेट है, आप यूज करिए। तीन कुटे मिर्च, इसको हमने कूट लिया है, हरी मिर्च है ये। अब हम इसको मिला देंगे, इसमें हम 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे। जो कि हमारे किचन की शान है, हमारे ही क्या सभी के किचन की शान, मिस्टर नमक। अब वो इस कटोरे में पधार चुकी है और इसको अच्छे से मिला देंगे ताकि सारी चीजें मिल जाएं। तो हमने सब कुछ अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसको किनारे रखेंगे और कढ़ाई में जब तक अपना सारा मसाला भूनेंगे तब तक उसको रेस्ट पे रखेंगे। ये करीब 10 मिनट के लिए कढ़ाई गर्म हो गई है। हम इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे करीब 2 टेबल स्पून। ऑयल हो गया, अब इसमें हम डालेंगे 2 तेजपत्ता, 3 हरी इलायची, 10 से 12 काली मिर्च और 4 से 5 लौंग। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। हमने 2 मीडियम साइज के प्याज छील कर बढ़िया पेस्ट बना लिया। हम प्याज को लाइट ब्राउन होने तक पका लेंगे। प्याज को पकाते वक्त गैस को हम हाई फ्लेम पर रखेंगे। हमने प्याज को लाइट ब्राउन कर लिया है, अच्छे से पक गया है। और मैं सारा मटेरियल इसमें डाल देंगे। करीब 10 मिनट लगे हमको प्याज को भूनने में। अब हम गैस को मीडियम फ्लेम पर कर लेंगे और इसे चलाते रहेंगे वरना दही फट जाएगा और हमारी सब्जी का
टेस्ट जो है वो खराब हो जाता है। इसलिए दही को जब तक पक ना जाए तब तक हमें चलाते रहना इसे, इससे प्याज भी अच्छी तरह से मिल जाएगा और दही फटेगा भी नहीं। हमने करीब 3 मिनट इसे प्याज के साथ अच्छे से चला लिया, हमारा दही फटा नहीं है। अब हम इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। दो टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून मीट मसाला, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसमें मसालों को अच्छे से पकाना है, बहुत अच्छी खुशबू मसालों की आ रही है। हमने थोड़ा सा हरा मिर्च कुटा हुआ बचा लिया था, उसे भी हम मसालों के साथ ऐड कर देंगे। मिर्च और नमक आप अपने स्वाद अनुसार ऐड करिएगा। आप अगर ज्यादा कड़वा खाते हैं तो ज्यादा, कम खाते हैं तो कम। मसालों को अच्छे से पकाना है, गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखिएगा। अगर आप तेज रखेंगे तो हमारे मसाले कढ़ाई में चिपक जाएंगे और जलने लगेंगे। हमें मसाला पकाना है ना कि उसे जलाना है। अब हम इसमें डालेंगे कस्तूरी मेथी। इसे हाथों से रगड़ कर जितना डालते हैं ना, इसका स्वाद और खुशबू उतनी ही अच्छे ढंग से हमें मिलती है। हमने मसालों को करीब 10 मिनट तक अच्छे से भूना है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिए, आपको कैसी ग्रेवी रखनी है। अगर आपको अपनी ग्रेवी गाढ़ी रखनी है तो उसी हिसाब से पानी ऐड करिए। अब हम इसमें फिर से नमक ऐड करेंगे। हमने नमक जब उसको मैरिनेट किया था पूरे मटेरियल को, आप स्वाद अनुसार नमक डालिएगा, क्योंकि तो उसमें भी डाला था, इसलिए ध्यान रखिएगा कि नमक ज्यादा ना हो पाए। और पानी इतना डालिएगा कि हमारे आलू पक जाएं। अगर आप बहुत कम पानी डालेंगे तो आलू पकेंगे नहीं और सब्जी हमारी जल जाएगी। अब ये पूरा पानी सब्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी। 5 से 7 मिनट हम गैस की फ्लेम को हाई रखें ताकि हमारी सब्जी अच्छे से पक सके। 10 मिनट हो गए हमारी सब्जी को पकते हुए, बहुत ही अच्छा सा कलर आया है। अभी इसे 10 मिनट और पकाएंगे ताकि ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। आप चाहे तो इसे ढककर पका लें या चाहे तो खुला पकाएं, मैंने इसको खुला पकाया है। हमारी सब्जी पक गई है और आलू भी पूरी तरीके से पक गया है। देखिए, अब गैस की फ्लेम को करेंगे ऑफ और इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। अभी जब ये सब्जी ठंडी होगी तो ये अपने आप गाढ़ी हो जाएगी। तैयार है हमारी
नॉनवेज स्टाइल सोयाबीन आलू की सब्जी तैयार है हमारी। नॉनवेज स्टाइल आलू और सोयाबीन की सब्जी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और एक बार सब्जी को बना करके उसका स्वाद जरूर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को हमारी नई नई रेसिपी मिल सके। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।